स्वागत है आप सबका मेरे चैनल श्रुति झा मेरी दुनिया में। गुड मॉर्निंग आप सबको। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं मैं लगी हूँ तैयारी में। तो आज क्या है आप लोगों को पता है, आज हम बिहारियों का एक छोटा सा त्योहार है। जो भी बिहारी होंगे उन लोगों को पता होगा कि आज क्या है, और जो नहीं है उनको मैं बता दूँ कि आज है तुलसी विवाह। तो आप सबको मेरी तरफ से मेरे परिवार की तरफ से तुलसी विवाह की हार्दिक शुभकामनाएं। तो मैं उसी की तैयारी में लगी हूँ गाइस सुबह से, और तो मैंने सोचा कि आप लोगों को भी दिखा दूँ कि आज तुलसी विवाह हम लोग बिहारियों में कैसे होता है। जो भी नवादा जिले से होंगे उनको जरूर पता होगा कि तुलसी विवाह क्या होता है। ऐसा माना जाता है गाइस कि आज से जितने भी देवी देवता हैं सभी सो के उठ जाएंगे और शादियों का सीजन शुरू हो जाएगा। पहले तुलसी माता का होगा, उसके बाद हम इंसान का होगा। हम लोगों में ऐसा माना जाता है। तो वही मैं सोच रही थी कि आप सबको भी दिखा दूं जिनको नहीं पता है कि तुलसी विवाह क्या होता है और कैसे होता है। तो यहाँ पे मैं घर के कामों में लगी हूँ गाइस, मैं जल्दी जल्दी से कर लेती हूँ। और आज मेरा व्रत भी है, तुलसी विवाह है तो इसीलिए आज व्रत रखी हूँ। और बाकी लोगों के लिए मैं लंच बना रही हूँ। बहुत सारे काम हो जाते हैं गाइस हम लेडीज को। तो गाइस आज के दिन ना चावल नहीं खाना चाहिए, आज के दिन रोटी ही खाना चाहिए। तो इसलिए रोटी और सब्जी बना रही हूँ। जिन जिनको नहीं पता है वो आज से जान लें कि आज एकादशी के दिन रोटी खाना चाहिए। ये मेरी सब्जी बनके तैयार हो चुकी है, और आप लोगों को लग रहा होगा ना कि ये छोले हैं, पर ये छोले नहीं हैं। आप लोग गेस करें कि ये किस चीज़ की सब्जी है, और टेस्टी दिख रही है ना। तो यहाँ पे मैं जल्दी से खाना रेडी कर ली हूँ, और अभी मैं और भी सारे काम जल्दी जल्दी कर लूँगी फटाफट से। उसके बाद मैं आगे की प्रोसेस बताऊँगी कि क्या क्या होता है। तो यहाँ पे मैं अभी जल्दी जल्दी से सारा काम निपटा लेती हूँ गाइस।
काम खत्म करने के बाद अब चुकी हूँ मैं रेडी, क्योंकि अब बाहर का काम बचा है तो जाना है मुझे बैंक। मेरा कुछ काम पेंडिंग पड़ा हुआ है तो उसे तो मैं यहाँ पे निकल चुकी हूँ बैंक के लिए। वो मेरा थोड़ा सा काम बचा हुआ था तो आज मुझे फ्री टाइम मिल गया तो मैं सोचा कि ये काम ही कर लूँ, तो मैं अभी बैंक जा रही हूँ भाई। यहाँ मेरा बैंक का काम हो चुका है तो मैं आज पहुँच चुकी हूँ। चार कर दीजिए भैया, छोटा छोटा कर दीजिए। आज का प्रसाद लेना था तो आज का प्रसाद गाय होता है गन्ना। आप लोग गन्ना से जानते होंगे लेकिन हम बिहारियों में ये केतारी बोला जाता है। ये केतारी है आज का फेवरेट, मतलब इम्पोर्टेंट प्रसाद है जो कि चढ़ाया जाता है तुलसी माता को और भी भगवान को। तो मैं ये लेने आ गई हूँ। अभी भैया यहाँ पे गन्ना कट कर रहे हैं तो मुझे देंगे। कट करने के बाद मैंने किसी काट दीजिए नहीं तो वो काट के दे रहे हैं और मैं यहाँ पे खड़ी होके उनकी वीडियो बना रही हूँ। बहुत महंगी है गाइस, बहुत महंगी आज के दिन में गन्ना। गांव में तो ऐसे ही दे देते हैं लोग, लेकिन यहाँ सब कुछ खरीदना पड़ता है इसीलिए लोग बोलते हैं कि गांव सबसे बेस्ट होता है और शहर, लेकिन क्या करें शहर में भी रहना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं गन्ना खरीद चुकी हूँ, अब मैं घर के लिए निकल चुकी हूँ, अपने घर जा रही हूँ। काफ़ी देर हो चुकी है, शाम हो चुकी है, मेरे गाँव में तो क्योंकि मुझे पूजा भी करनी है। रेडी हो चुकी हूँ अब पूजा करने के लिए, तो मैं पूजा स्टार्ट करती हूँ गाइस। आप लोग देखिए कि कैसे होती है। ज़्यादा तो मुझे आता नहीं है पर जैसा आता है वैसा मैं कर देती हूँ, और क्योंकि सब कुछ मुझे ही करना पड़ता है। मेरे घर में कोई बड़ा गार्जियन है नहीं, मेरी माँ थी तो वो अब रही नहीं इस दुनिया में, तो मुझे जैसा आता है वैसा मैं कर देती हूँ। और आप लोग बताएं कि क्या गलती है, गलत है क्या सही है, सॉरी कुछ बिहारी भाषा भी यूज हो जाता है तो इसके लिए सॉरी। ये तुलसी मैया हैं तो मैं अब इनकी पूजा करूंगी। तो ये मैंने जल चढ़ाया, उसके बाद घर में तो लोग नॉर्मल ही करते हैं पर मंदिर में बहुत अच्छे से होती है और बहुत अच्छे से पंडित जी करते हैं, गीत होती है, सब कुछ होता है गाइस। तो ये मंदिर में देखने में ज़्यादा अच्छा लगता है, घर में तो बस नॉर्मल ही कर देते हैं क्योंकि नियम है करना पड़ता है। तो इसीलिए घर का पूजा आपको देखने में थोड़ा इंटरेस्टेड नहीं लगेगा, पर आगे से कोशिश करूंगी कि आप लोगों को मंदिर वाला दिखाऊं।
गाइस, आज का ब्लॉग यहीं पे मैं खत्म करती हूँ। आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगे, और प्लीज कमेंट, सब्सक्राइब, लाइक कीजिएगा। और एक बार फिर मेरे और मेरे परिवार की तरफ से तुलसी विवाह की शुभकामनाएं आप सभी को। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बाय बाय।